उटपटांग बयानों से प्रायः सुर्खियों में रहने वाले सपा विधायक जयकिशन साहू एक और बयान देकर यह जता दिए कि माफियाओं से तबाह लोगों की उन्हें कतई परवाह नहीं है, बल्कि इसके उलट माफियाओं के लिए उनके दिल में बेइंतहा मोहब्बत है। यह बताऊं कि जयकिशन साहू कब, कहां और क्या बयान दिए हैं। उसके पहले उस बयान के पीछे उनकी मनसा टटोलते हैं और उनकी मनसा खालिस सियासती लगती है। हैरानी यह है कि जयकिशन साहू बैस समाज से आते हैं और उनका परिवार व्यापारी है, बावजूद माफियाओं के हम मजहबियों को खुश करने के लिए यह जनाब भूल गए कि माफियाओं से सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो वह है व्यापारी वर्ग। और अब चलिए बताता हूँ कि विधायक जयकिशन साहू कब, कहाँ और क्या बयान दिए। मौका था 21 अप्रैल को ईद के अलविदा नमाज का। वह गाजीपुर शहर के विशेषरगंज स्थित ईदगाह पर नमाजियों से मिलने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में वह बोले, अब आप लोग का समर्थन कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी? अब यह तो मजबूती अब विरोधी से पूछिएगा, हम मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। 25 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कहे जी। इसके अलावा बात किया जाए तो अभी तक जो है पुलिस और साहित्य पीछे पड़ी हुई थी और पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है अफसा अंसारी के पीछे पड़ी हुई, क्या इसे राजनीति से जोड़ कर देखा जाए या कानून व्यवस्था से? नहीं, अपराधी साहिस्ता है, नहीं मुख्तार जी की बीबी है, मुख्तार की बीबी है, लेकिन अब इन लोगों को घसीटा जा रहा है तो अब उसको क्या राजनीति से नहीं कहेंगे तो क्या यज्ञ हवन से कहेंगे। जय।